2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने पर सरकार का फोकस रह सकता है। तो इस सेक्टर में आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे और फोकस बढ़ा सकती है अपना? डिफेंस पे ऑलरेडी सरकार इतना फोकस कर रही है, तो इसके साथ ये ड्रोन का जो एक अलग से निकली है, एक अलग सेगमेंट सेक्टर बन के उभरा है, इसको कैसे सरकार और फोकस कर सकती है? देखिए, ये जो डिफेंस सेक्टर है इसमें ड्रोन्स भी इस पे प्रचलित हो सकता है, पर ये जो डिफेंस स्पेंडिंग पे जो इस सरकार 10 साल से इस पे ध्यान दिया है और इंसेंटिव्स दिए हैं, दे कैन बी सिग्निफिकेंट एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जेनरेटेड थ्रू सक्सेस इन डिफेंस प्रोडक्शन। अगर आप प्लेन के एरोप्लेन की इंजन बनाते हैं देश में, तो दैट हैज़ डिफेंस एप्लीकेशंस, बट इट आल्सो हैज सिविल एप्लीकेशंस, पोटेंशियल सिविल एप्लीकेशन। जैसे कि अगर आप डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो यू माइट बी एबल टू मेक शिप्स फॉर द सिविलियन सेक्टर आल्सो। सो ये सब चीज़ें, देर आर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल सिविलियन टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स टू बीइंग अ सक्सेसफुल डिफेंस प्रोड्यूसर, एंड 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 ड्रोन्स आर सर्टनली अनदर एरिया वेर इंडिया कुड बिकम अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, एंड देर विल बी मोर इंसेंटिव। आई मीन, वन थिंग इज द गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर, कैन जस्ट बाई थिंग्स फॉर द मिलिट्री, फॉर द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड एज अ रिजल्ट that provides incentives. Now, if the private sector begins to participate more effectively, अब तक अगर देखा जाए तो public sector is the major beneficiary. Apart from the Tatas, I don't see too many other private sector players who have succeeded in joining the defense production bandwagon. There were a lot of incentives. पर जो जो प्राइवेट कंपनीज डिफेंस क्षेत्र में आए, उनमें से एक तो था अनिल अंबानी की कंपनी, और ही गॉट इनटू ऑल काइंड्स ऑफ अदर फाइनेंशियल ट्रबल। सो एक चीज है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में हम इतना डिफेंस सेक्टर में हम इतना जैसे कि आउटसाइड ऑफ टाटाज एंड अ फ्यू अदर्स लाइक द बंगर्स एंड सो ऑन, भारत फोर्ज की जो हैं, सो अ फ्यू कल्याणी, सो अ फ्यू कंपनीज हैव डन वेल, बट दैट नीड्स टू वाइडन, एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी रियली इज दैट दे नीड टू बी फाइनेंशियली साउंड देमसेल्व्स, एंड वंस दे आर दे कैन गेट इनटू डिफेंस प्रोडक्शन एज वेल, एंड ओवर टाइम that will have significant positive benefits to the civilian sector, from defense procurement and from the application of better technology. जैसे कि अगर आप देखें GE planes for GE and other planes that are at the cutting edge of US defense production, they have transferred the technology for engine production to India for the first time. No other country, no other ally of the United States has received those technologies. So, unfortunately, at the moment, it is primarily only a public sector company that is benefiting, Hindustan Aeronautics. It is interesting to recognize that Hindustan Aeronautics was started by Mukherjee when he to grow that, and it was not Yes, just sir. Hindustan Aeronautics, we need to see other private sector participation.